नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं अन्नु कपूर हाजिर हूँ और इजाज़त चाहता हूँ आप सबसे आज के शो की शुरुआत करने के लिए। ये शो जिसका नाम है सुहाना सफ़र विद अन्नु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। मैं सभी मित्रों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। दीपावली और नववर्ष मंगलमय हो, शुभ हो, यही प्रार्थना है। दीपावली मनाते हुए आप सब अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें और आप सबके परिवारों में समृद्धि हो, प्रसन्नता हो, सफलता हो और हर्ष और उल्लास हो, यही मेरी प्रार्थना है। और इसके साथ साथ ये याद रखें कि किसी का भी दिल ना दुखाएं आप। पटाखे उतने ही छोड़ें जितने की आवश्यकता हो, पटाखों की वजह से पर्यावरण को दूषित ना करें, यही प्रार्थना है। और दीपावली जिस कारण से मनाई जाती है वो कारण कभी भी ना भूलें, वरना होता क्या है, हमारे देश में ये तीज त्यौहार और पर्व बहुत दूषित हो गए, डिफंक्ट हो गए हैं। इन तीज त्यौहार सेलिब्रेशंस के जो मोमेंट्स हैं उनको डिफंक्ट ना करें, यही कहना चाहता हूँ। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले आज की महफिल की कहानियों की एक झलक। आर डी बर्मन और सचिन भौमिक की दोस्ती का एक किस्सा। जब सचिन भौमिक को उनके द्वारा लिखित एक फिल्म अनुराधा के लिए बर्लिन फेस्टिवल में जाना पड़ा तो आरडी ने अपने दोस्त के लिए क्या क्या तैयारियां की, कैसे सारा इंतजाम किया सचिन भौमिक की बर्लिन यात्रा का। दूसरा किस्सा प्राण साहब की दरिया दिली का होगा। प्राण साहब उत्तर प्रदेश में फिल्म पत्रकार संघ के एक वार्षिक पुरस्कार समारोह में गए तो हालात ऐसे आ गए कि उन्हें मजबूरी में एक पत्रकार की मदद करनी पड़ी। क्या था किस्सा, बताऊंगा आज। इसके अलावा आज ये भी बताऊंगा कि ऐसा क्या हो गया कि शबाना आजमी ने अपनी निजी जिंदगी में खुलकर हंसना और मुस्कुराना छोड़ दिया। शबाना की ये कहानी आज की महफिल में। इन किस्सों के साथ हमारे तीन रेगुलर सेगमेंट होंगे। दिल ने फिर याद किया, इस सेगमेंट में हम याद करेंगे 70 के दशक में सडनली आसमान पे छाने वाले और सडनली गायब हो जाने वाले एक ऐसे हीरो को जिसने यादों की बारात और हम किसी से कम नहीं जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम किया। आज हम याद करेंगे तारिक साहब को। और उसके बाद अंत में हमारे एक श्रोता का सवाल, जिन्होंने हमसे पूछा है किसी ऐसे निर्माता निर्देशक के बारे में जिसका नाम लगातार सिल्वर जुबली फिल्म्स देने की वजह से गिनीस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया हो। तो ये है आज की झलकियां, ट्रेलर। आरडी बर्मन अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर थे, उतने ही बेहतरीन दोस्त भी थे, यारों के यार थे। आरडी बर्मन की दोस्ती के बहुत सारी कहानियां किस्से फिल्म इंडस्ट्री में मशहूर हैं। उनके खास दोस्तों में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, गुलजार, किशोर कुमार, राजेश खन्ना और सचिन भौमिक का नाम बहुत प्रोमिनेंट है। ये बात 1961 की है जब सचिन भौमिक की लिखी और ऋषिकेश मुखर्जी की डायरेक्ट की हुई फिल्म अनुराधा भारत में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हासिल करने के बाद विदेशों में भी चर्चित हो रही थी। इन्हीं दिनों एक बार सचिन भौमिक पंचम के घर बैठे हुए थे, तभी आ गया फोन ऋषिकेश मुखर्जी का कि भाई अनुराधा के लिए तुम्हें भी इनवाइट किया गया है और जाना है बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अटेंड करने के लिए। ये खबर सुनकर सचिन भौमिक से ज़्यादा आरडी बर्मन खुश हो गए। अपने दोस्त के बर्लिन जाने की खुशी में आरडी बर्मन ने उसी शाम एक पार्टी भी रख दी। सारे दोस्तों को बुलाकर सचिन भौमिक की इस अचीवमेंट को सेलिब्रेट किया। पंचम की खुशी सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं हुई, अगले दिन वो खुद सचिन भौमिक की विदेश यात्रा की तैयारी में लग गए कि सचिन दा के कपड़े लत्ते कैसे होंगे, इतने बड़े फेस्टिवल में जा रहे हैं, स्मार्ट दिखना है, प्लानिंग करनी है। सो उन्होंने खुद जाकर सचिन भौमिक के लिए 3-पीस सूट, स्वेटर, ओवरकोट और मैचिंग टाइज खरीदना शुरू कर दी। सचिन भौमिक की ट्रैवलिंग के लिए हर जरूरी सामान की शॉपिंग पंचम ने की। आरडी बर्मन ने सचिन भौमिक को ये भी इंस्ट्रक्शंस दिए कि तुम्हें कौन से दिन कौन सा ड्रेस पहनना है, कौन से जूते पहनने हैं, मैचिंग क्या है, कौन सी टाई पहननी है।
अब जब सामान की पैकिंग का वक्त आया तो आरडी ने देखा कि सचिन भौमिक का सूटकेस बहुत पुराना है। आरडी को लगा कि ये पुराना सा सूटकेस मैच नहीं करेगा, अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए उन्होंने सोचा कि वो सचिन भौमिक के लिए एक नया सूटकेस खरीद कर ले आएंगे। मगर प्रॉब्लम ये थी कि बहुत रात हो चुकी थी, बाजार बंद हो चुका था। सचिन दा ने बहुत समझाया कि पंचम कोई फर्क नहीं पड़ता, पर पंचम ने कहा नहीं फर्क पड़ता है, एयरपोर्ट पे उतरोगे एक सड़े से सूटकेस के साथ, अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा। आरडी बस इसी उधेड़बुन में थे कि कैसे इंतजाम किया जाए। तभी उन्हें अचानक याद आया कि पिछले दिनों जब वो फॉरेन गए थे तब एक नया सूटकेस अपनी माताजी के लिए खरीद कर लाए थे। बस फिर क्या था, आरडी पहुंच गए रात को ही माताजी के पास और कहा माँ सूटकेस दे दो। माँ ने भी बड़ी खुशी खुशी अपना नया सूटकेस दे दिया। सूटकेस पाकर आरडी को सुकून मिला। उन्होंने खुद अपने हाथ से सूटकेस में सचिन भौमिक के कपड़े जमाए, पैकिंग की सारी, और आधी रात को, मिडनाइट की फ्लाइट थी, आधी रात को खुद ही सचिन भौमिक को छोड़ने एयरपोर्ट भी गए। दोस्तों इसके अलावा जब सचिन भौमिक के पास कार नहीं थी तब आरडी बर्मन ने अपनी कार सचिन भौमिक को दे दी थी ताकि उन्हें ट्रैवलिंग में कोई परेशानी ना हो। सचिन भौमिक को कार चलाना भी आरडी बर्मन ने ही सिखाया। आरडी बर्मन और सचिन भौमिक की दोस्ती सलामत रही जब तक दोनों सलामत रहे। आगे बताऊंगा किस तरह से प्राण ने एक पत्रकार की मदद की। ये सब बस थोड़ी देर में। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। सुनते रहिए रेडियो का नंबर वन शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। अब बात करते हैं प्राण साहब की। बहुत बार कहा जा चुका है कि बड़े तगड़े विलन थे मगर उतने ही बढ़िया इंसान थे। आज प्राण साहब की दरिया दिली और सज्जनता का एक किस्सा सुनाने जा रहा हूं। बात 1968 की है जब उत्तर प्रदेश फिल्म पत्रकार संघ ने एनुअल अवार्ड फंक्शन आयोजित किया और चेतनानंद, सुनील दत्त, नूतन, कामिनी कौशल, केदार शर्मा, सुबोध मुखर्जी, मदनपुरी, हसरत जयपुरी, चंद्रशेखर वगैरह वगैरह बहुत सारे सितारों को लखनऊ आमंत्रित किया। इनमें प्राण साहब भी थे। इन सबको बुलाने और उनकी सारी व्यवस्था करने की जिम्मेदारी थी पत्रकार संघ के अध्यक्ष रामकृष्ण की। रामकृष्ण स्टार्स का बहुत ध्यान रख रहे थे, उन्हें कोई परेशानी ना हो, इसलिए हर इंतजाम को खुद पर्सनली देख रहे थे। जब ये प्रोग्राम खत्म हुआ तब रामकृष्ण को बताया गया कि उन्हें पता चला है कि चेतनानंद, कामिनी कौशल और प्राण साहब को सुबह ही हीर रांझा की शूटिंग के लिए बंबई पहुंचना है अर्जेंटली। रामकृष्ण साहब के होश उड़ गए क्योंकि उन्होंने तो ट्रेन की टिकटें बुक कराई थी और वो भी एक दिन बाद की, और लखनऊ से कोई फ्लाइट भी नहीं थी। क्या किया जाए? अचानक एक रास्ता सूझ गया। अगर चेतन आनंद, कामिनी कौशल और प्राण आज रात ही 9 बजे की मेल से दिल्ली रवाना हो जाएं तो वो दिल्ली से फ्लाइट पकड़ सकेंगे। रास्ता तो मिल गया लेकिन ट्रेन का टिकट कहाँ से लाएं, ये मुश्किल आ गई। प्रोग्राम में जितना सोचा था उतना खर्च ना हुआ बल्कि बहुत ज़्यादा खर्च हो गया। जेब कड़की थी और रामकृष्ण जी भी एक साधारण से पत्रकार थे, आर्थिक स्थिति भी कोई अच्छी नहीं थी कि वो अपनी जेब से ट्रेन टिकट खरीद सकें। टेंशन होने लगी कि इतनी जल्दी पैसों का इंतज़ाम कैसे होगा। जेब में फूटी कौड़ी नहीं और दूसरी तरफ ये ज़बरदस्त टेंशन, अगर पत्रकार संघ संस्था कुछ नहीं कर रही तो जिम्मेदारी तो अपनी ही बनती है। इसी उधेड़ बुन में रामकृष्ण जी डूबे हुए थे। उन दिनों लखनऊ से दिल्ली तक के लिए एसी का किराया 80 रुपये था। 3 टिकट खरीदने का मतलब था 240 रुपये, 250 रुपये करीबन। रामकृष्ण के पास कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय इसके कि वो मार्केट से किसी से उधार ले लें, और ऐसा ही हुआ। 300 रुपये का जुगाड़ कर लिया और कलाकारों का रेल टिकट खरीद कर तीनों लोगों को स्टेशन छोड़ने पहुंच गए।
जब ये लोग स्टेशन पहुंचे तो गाड़ी छूटने में मुश्किल से 2-3 मिनट का वक्त बचा था। रामकृष्ण ने फटाफट चेतनानंद, कामनी कौशल और प्राण साहब को उनके डब्बे तक पहुंचाया। इंजन ने सीटी मार दी। सीटी बजते ही रामकृष्ण ने चेतनानंद, कामनी कौशल और प्राण से विदा लेने के लिए हाथ जोड़े और जैसे ही वो डब्बे से प्लेटफॉर्म पे उतरने की कोशिश कर रहे थे तो उन्होंने उनको ऐसा लगा कि किसी ने उनकी जेब में हाथ डाल दिया। चौंक कर देखा तो डब्बे में सवार प्राण साहब ने उनकी जेब में हाथ डाला हुआ था और जबरदस्ती उनकी जेब में कुछ ठूंस रहे थे। रामकृष्ण ने झट से हाथ निकाल लिया और बोला कि प्राण साहब ये क्या कर रहे हैं? क्योंकि रामकृष्ण ने रियलाइज किया कि कुछ करारे नोट जेब में पड़े हुए हैं। मालूम पड़ गया कि प्राण साहब ने ये नोट उनकी जेब में डाले हैं। रामकृष्ण बोले, प्राण साहब इतनी ज्यादती मेरे साथ ना करें, मुझे शर्मिंदा ना करें। लेकिन प्राण साहब ने एक नहीं सुनी। गाड़ी चल पड़ी थी। मजबूरी में रामकृष्ण को प्राण साहब के दिए हुए वो पैसे रखने पड़े और ये रुपए जो प्राण साहब की सज्जनता और दरिया दिली ने रामकृष्ण को दिए थे वो 500 नहीं बल्कि 3,500 रुपए थे। प्राण साहब को पता चल गया था कि इस प्रोग्राम में पत्रकार संघ को बहुत नुकसान हुआ है और वो सारा नुकसान इस सज्जन भले आदमी रामकृष्ण के ऊपर आ रहा है, इसलिए और ज्यादा भार ना पड़े लिहाजा उन्होंने चुपचाप रामकृष्ण को ये पैसे जबरदस्ती दे दिए। प्राण साहब की ये दरिया दिली देखकर रामकृष्ण जी की क्या हालत हुई होगी इसका अंदाजा आप भली भांति लगा सकते हैं। जमाना अलग था, लोग अलग थे, सज्जनता थी, ईमानदारी थी, मधुरता थी संबंधों में। समाज चेंज होता है लेकिन गीता में कृष्ण भी कहते हैं कि परिवर्तन जीवन का नियम है, परंतु हर परिवर्तन विकास या प्रगति नहीं होता है। मनुष्य को प्रयत्न करना चाहिए, चेष्टा करनी चाहिए कि उसके द्वारा उठाया गया हर कदम, हर परिवर्तन शुभ और पवित्र दिशा में हो। अब बारी है हमारे रेगुलर सेगमेंट की जिसका नाम है दिल ने फिर याद किया। इस सेगमेंट में आज हम याद करेंगे उस कलाकार को जो 70 के दशक में एक धूमकेतु की तरह आया और कुछ ही वक्त में धूमकेतु की तरह गायब भी हो गया। यादों की बारात हम किसी से कम नहीं जैसी सुपरहिट फिल्मों के हीरो तारिक साहब को याद करेंगे। बस थोड़ी ही देर में आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अनु कपूर सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। पेश खिदमत है ये सेगमेंट जिसका नाम है दिल ने फिर याद किया। इस सेगमेंट में याद करेंगे उस एक्टर को जिस पर कई हिट पॉपुलर गाने पिक्चराइज्ड हैं। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, हो तुम क्या जानो मोहब्बत क्या है, लेकर हम दीवाना दिल फिरते हैं मंजिल मंजिल, आपके कमरे में कोई रहता है, यादों की बारात निकली है, ये लड़का हाय अल्लाह। मुझे यकीन है आपको वो कलाकार याद आ गया होगा जिस पर ये सारे गीत फिल्माए गए हैं। जनाब आज याद करेंगे हम तारिक साहब को। तारिक खान का जन्म मुंबई में हुआ। वो अपने ज़माने के मशहूर डायरेक्टर नासिर हुसैन के भांजे और आज की युवा पीढ़ी को याद दिलाने के लिए मैं इस तरह से इंट्रोड्यूस करूं कि वो आमिर खान के फुफेरे भाई हैं। फिल्मी माहौल में पले बढ़े तारिक साहब को अभिनय का शौक बचपन से ही था। मामूजान फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा नाम और रुतबा रखते थे, इसलिए स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और उन्हें मौका मिला 1973 की मल्टी स्टारर फिल्म यादों की बारात से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत का। यादों की बारात तारिक की लॉन्चिंग फिल्म थी, इसलिए उसके ज्यादातर हिट गाने भी उन्हीं पे फिल्माए गए। फिल्म हिट हुई, फिल्म का म्यूजिक सुपर हिट हो गया और इन दोनों के साथ साथ तारिक खान भी किसी धूमकेतु की तरह सिनेमा के नभमंडल पर जगमगा उठे। अपनी डेब्यू फिल्म की सफलता के बाद तारिक को दूसरे प्रोड्यूसर से भी ऑफर्स आने लगे। यादों की बारात के बाद तारिक ने सुनील दत्त साहब के साथ एक फिल्म में काम किया। फिल्म का नाम था जख्मी, मगर इस फिल्म में उनके लिए करने को कुछ था नहीं। इस फिल्म से कोई खास फायदा नहीं हुआ। जख्मी के बाद
तारिक साहब की एक और फिल्म आई हम किसी से कम नहीं। इस फिल्म में तारिक पर फिल्माया गया गाना क्या हुआ तेरा वादा आज भी लोग गुनगुनाते हैं और फड़क जाते हैं। आज भी लोग इस गाने के साथ साथ सर पे पट्टी बंधे इस गाने को गाते तारिक जी को नहीं भूले। इस गाने को देखकर उस जमाने में सर पे पट्टी बांधने का फैशन भी चल पड़ा था। दो बड़ी हिट फिल्म देने के बाद लोगों के बीच पॉपुलर होने के बावजूद तारिक को फाइनली कुछ हासिल नहीं हुआ। उनके करियर को जो पुश मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, बल्कि इन दो फिल्मों के बाद उनके करियर में कई सालों का गैप भी आ गया। यादों की बारात, जख्मी और हम किसी से कम नहीं करने के बाद तारिक को दो और छोटी फिल्मों में काम करने का मौका मिला, मगर फिल्में नहीं चलीं, इसलिए तारिक भी लोगों के दिलो दिमाग से आउट होने लगे। लोग उन्हें भूलने ही लगे थे कि नासिर हुसैन की दो और फिल्मों में एक बार फिर उन्होंने अपनी किस्मत को आजमाया। ये फिल्में थीं मंजिल मंजिल और दूसरी फिल्म का नाम था जबरदस्त, मगर बात नहीं बनी, करियर लगभग समाप्त सा हो गया। बाद में पता चला कि वो निर्देशन में उतरे हैं, डायरेक्ट करना चाहते हैं, मगर वहां भी कामयाबी हाथ नहीं आई। तारिक सिनेमा के आसमान पर धूमकेतु की तरह चमके और वैसे ही लुप्त भी हो गए। आज तारिक साहब अपनी बेगम और दो बच्चों के साथ पारिवारिक जीवन बिता रहे हैं। हमने उनको याद किया, वो खुश रहें और हेल्दी रहें, यही दुआ है। ऐसा क्या हो गया शबाना की जिंदगी में कि उन्होंने खुलकर हंसना और मुस्कुराना छोड़ दिया? शबाना की ये कहानी थोड़ी देर में एक छोटे से ब्रेक के बाद। सुनते रहिए रेडियो का नंबर वन शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। जिसकी मुस्कुराहट पर गाने बने हों, शबाना की मुस्कुराहट पे गाना बनाए, कौन सा वाला? तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? अगर उसी के बारे में मैं आपसे कहूं कि एक वक्त ऐसा भी आ गया जब वो मुस्कुराने से भी कतराने लगी थी, मुस्कुराना खिलखिलाकर हंसना छोड़ दिया था। ये सच है भाई। शबाना आजमी ने खुद अपने एक इंटरव्यू में बताया कि एक टाइम ऐसा भी आया जब लोग उनके उभरे हुए दांतों का, बाहर निकले हुए दांतों का मजाक उड़ाया करते थे। लोगों के इस तरह के रिएक्शन की वजह से उन्हें लगने लगा कि उनके जो प्रोट्रूडेड उभरे हुए जो दांत हैं बहुत खराब दिखते हैं, कॉन्शियस हो गए कोई भी हो जाए। धीरे धीरे ये बात दिलो दिमाग में उतरती चली गई और गांठ बनती चली गई। जब कुछ फिल्मी मैगजीन में उनके दांतों को लेकर कुछ आर्टिकल्स भी छपने लगे, इन सब घटनाओं का नतीजा ये हुआ कि शबाना अपने दांतों को लेकर, यानी कि हंसी को लेकर झिझकने लगी और उन्होंने आम जिंदगी में भी खुलकर हंसना मुस्कुराना छोड़ दिया। शबाना के खुलकर ना हंसने को जब महेश भट्ट ने गौर किया तो उन्होंने शबाना से वजह पूछी। शबाना ने वजह बता दी कि लोग उनके उभरे हुए दांतों का मखौल उड़ाते हैं, मजाक करते हैं। महेश भट्ट को ये बात बहुत अजीब लगी कि एक बेकार बेमतलब की बात से, इस कॉम्प्लेक्स से शबाना ने अपनी मुस्कुराहट को कैद कर दिया है। महेश भट्ट ने शबाना को समझाया, क्यों तुम अपनी मुस्कुराहट को छुपाने की कोशिश करती हो? क्या तुम्हें यह लगता है कि मुस्कुराहट का दांतों से कोई वास्ता है? इसका ताल्लुक तो सीधा आंखों से है। अगर आप सच्चाई से हंसेंगे तो वो लोगों तक जरूर पहुंचेगी। महेश भट्ट की कही हुई बात शबाना के कलेजे में उतर गई। लगा जैसे किसी साधु ने कोई मंत्र छेड़ दिया हो, लगा कि किसी पीर औलिया ने कोई तावीज दे दिया हो। महेश भट्ट की बात से शबाना आजमी का खोया हुआ आत्मविश्वास लौट आया और उन्होंने फिर मुस्कुराना और खिलखिलाना शुरू कर दिया। ये महेश भट्ट ही थे जिन्होंने न सिर्फ शबाना को हंसने और मुस्कुराने का आत्मविश्वास लौटाया, बल्कि उसकी मुस्कुराहट पर एक गजल भी फिल्म अर्थ में डाली। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? संयोग की बात है कि ये कलाम शबाना के
पिताजी नहीं लिखा, जनाब कैफी आज भी साहब। कानपुर के दीपक साहब की बात का जवाब दूंगा, वो हमसे जानना चाहते हैं कि क्या कोई ऐसा निर्माता निर्देशक है जिसका नाम लगातार सिल्वर जुबली फिल्में देने के कारण गिनीस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया हो। जवाब दूंगा थोड़ी देर में, आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। सुनते रहिए रेडियो का नंबर वन शो सुहाना सफर विद अनु कपूर सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। अब बारी है कानपुर के दीपक जी के प्रश्न का उत्तर देने की। उन्होंने पूछा है क्या कोई ऐसा निर्माता निर्देशक है जिसका नाम गिनीस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया हो कि उन्होंने लगातार सिल्वर जुबली फिल्म्स दी हों। जी हाँ, है एक ऐसा नाम और वो नाम है दादा कोंडके का। दादा कोंडके ने लगातार 9 सिल्वर जुबली फिल्में बनाई जो कि एक रिकॉर्ड है और इसी की वजह से उनका नाम गिनीस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। दादा कोंडके के नाम पर अक्सर हमारे यहाँ के समीक्षक नाक भौं सिकोड़ते हैं, वो सिकोड़ा करें, लेकिन मैटर ऑफ फैक्ट बात यह है कि ये रिकॉर्ड दादा कोंडके के नाम से है गिनीस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। आम लोगों के बीच में वो बहुत पॉपुलर थे, जो एक तबका होता है, मैं उसको ये तो नहीं कहूँगा निचला तबका है क्या ऊपर का तबका है, लेकिन एक ख़ास तबके के लोगों के बीच में उनके जो डबल मीनिंग के डायलॉग थे वो बहुत पॉपुलर थे। उनको क्रिटिक्स ने ज़्यादा मान नहीं दिया, वो प्रतिष्ठा हासिल नहीं कर पाए अपने इस डबल मीनिंग के डायलॉग और वल्गैरिटी की वजह से। लेकिन मैटर ऑफ फैक्ट बात यह है कि गिनीस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम तो सिर्फ दादा कोंडके का ही दर्ज है। लगातार 9 सिल्वर जुबली हिट फिल्में देने के कारण मुझे उम्मीद है कि कानपुर के दीपक जी संतुष्ट होंगे उनके प्रश्न का जो उत्तर मैंने दिया है। आप सबसे इजाज़त चाहूँगा, आप अगर हमसे कुछ सवाल पूछना चाहें, जानना चाहें, कुछ कहना चाहें, सजेशन भेजना चाहें, हमेशा स्वागत है आपके सुझावों का। लिखिए, SMS कीजिए, उस पर लिखिए बिग स्पेस सुहाना सफ़र और हमें भेज दीजिए। हमारा नंबर है 55454। दीपावली और नववर्ष मंगलमय हो, शुभ हो, यही प्रार्थना है। दीपावली मनाते हुए आप सब अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें और आप सबके परिवारों में समृद्धि हो, प्रसन्नता हो, सफलता हो और हर्ष और उल्लास हो, यही मेरी प्रार्थना है। कि किसी का भी दिल ना दुखाएं आप, पटाखे उतने ही छोड़ें जितने की आवश्यकता हो, पटाखों की वजह से पर्यावरण को दूषित ना करें, यही प्रार्थना है। और दीपावली जिस कारण से मनाई जाती है वो कारण कभी भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर वन शो सुहाना सफर विद अनु कपूर सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।